हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर। तो चलिए शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मजे में होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस, आज हमारे यहाँ मेहमान आए बड़े बड़े लोग। हेलो एवरीवन, यार नाजू तुम्हारी यूट्यूब चैनल, तुम्हारी होजड़ी बहुत हो रही है यार। नहीं गलत बात नहीं करो, मैं नहीं बिल्कुल नहीं हुई, खड़ी हो जाओ, ये देखो खड़ी वाले हो। अरे गाइस, हमारी ये खाला है, हमारी ये खाला है जो बोलो ना पतली हो गई, फौरन ऐसे ऐसे करके दिखाती है। तुम भी दिखाओ। अच्छा तुमने जो वो स्टेप किया था टिकटॉक में, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं तो किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल। आपका कैसे आना हुआ? बस आ गए थोड़ा सा सामान। और क्या सामान? सामान आप क्या सामान लेकर आई है? सामान इसलिए आए क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा हुआ भाई, इसलिए बहुत सारा नहीं मैं पागल। यार तुमने किया था ना, मैं आप लोगों को गाइस नाजू की वीडियो दे डालूंगी, मस्त जोक मारा। रुक गई थी वरना मैं पूरा डांस करने वाली थी। नाजो आई है और लेकर आई है जरा से समोसे। जरा से नहीं है, 7 या 8 है। और अम्मी जलेबी भाई, इमरती भाई, इमरती भाई बोल लिए जल्दी से ब्लॉग बनाने, जल्दी से ब्लॉग बनाने के लिए। बालकों ने दिखाओ क्या क्या लाई हो। नाजो का वजन कम हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बहुत पुराना सूट है, इतना भी पुराना नहीं है। ईगो का सूट मैं पहन गई और मुझे आ गया है। तो नाजो लेकर आई है आज हमारे लिए 1 अदद ब्रेड क्योंकि सुबह का हमारे पास नाश्ता नहीं था, खारे बिस्किट क्योंकि सुबह का हमारे पास नाश्ता नहीं था, और लेकर आई है पेटीज। सब बोलेंगे ये सारा सामान जो है ब्रेकफास्ट का इवनिंग में लेकर आई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था इसलिए हमने जल्दी जल्दी ये पकड़ लिया। और एक हमारी खाला भी आने वाली है, वो आ जाए तो फिर हम उनके साथ बैठ के सब खाएंगे। जो अमेरिका से आई है वो आ जाए तो हम उनके साथ बैठ के खाएंगे। क्या नाम था? बहुत दिन से शायदा खाला गायब है आजकल मार्केट से। हाँ गायब हुई मेरी बेचारी, पता नहीं क्या। उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। दुआ करें आप लोग उनके लिए। और ये देखेंगे कैसे चल रही है बतख की चाल। तो बस गाइस अभी आप लोग जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। आप अपने शहरों का बताएं वहाँ पे कैसा हो रहा है। और जिसने भी वो टैबलेट बताई है वो टैबलेट जुओं की नहीं। यार क्या हुआ तुम्हारे साथ? मी आंखों में घुस गए। बस गाइस ये पागलपन चलता रहेगा, हमारी खाला आ जाए उनसे भी आपको मिलवाते हैं और फिर ये सब कुछ भी हम लोग खाते हैं। जब तक आप लोग जाएं जाके लाइक सब्सक्राइब कितनी बार जाएंगे क्या पता, खड़े हुए और सब्सक्राइब के बटन। यार सुनो टिकटॉक लाइव का पूछो ना, क्या आजकल टिकटॉक लाइव बहुत ट्रेंडिंग में। यार मैंने खोलना चाहा मगर खोला नहीं, वो उसके लिए यूके की सिम चाहिए। क्या तुम टिकटॉक लाइव बनाओगी? पहले पनिशमेंट करके दिखाओ, मुर्गा बन के दिखाओ पहले। अरे उसपे करना होता है, आप नहीं टिकटॉक लाइव पे करना होता है, डांस करके दिखाओ। ये लो नहीं करो यार, मम्मी मंदर है पागल। अब तुम बन के दिखाओ मुर्गा। मैं हाथ धोने जा रही हूँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं अंदर जा रही हूँ, सामान कुछ खाने के लेकर आई। अभी नहीं खाएंगे, खाले चल आ जाए इंसान। 5:30 का बोला था अभी, तो मेरे 6 बज गए, अभी रात गए पहुँची नहीं है। फोन करो मिलाओ, मेरी बाजी नहीं आई। अभी नाजो मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? मरती नाजो नेमल खा चुकी है,
नाजो बेचारी बहुत सारा सामान लेके आई है। अम्मी नाजो ले ही ना आए, ऑडियंस को भी पता है कि नाजो क्या लेकर आएगी क्या नहीं लेकर आएगी, सब नाजो को जानते अच्छे तरीके से। अभी बेल बजी थी, हम समझे खाला जान आ गए, मगर लाल दुपट्टे में कारी साहब। अरे कारी साहब एक मिनट, ये पागल है क्या? अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आ जाओ आ जाओ, हम समझे खाला जान आ गई हैं। नाजो कुकू के बेड में बिठवा दो। मगर क्या हुआ भाई, कारी साहब के इनके घर में कोई एक जगह है ही नहीं, दुपट्टा ओढ़ो। कारी साहब खुद ही सिपारा उठा दें, घर पे आके खुद ही लाइटें ऑन करेंगे। गाइस अब हमने खाला को फोन मिलाया है पूछने के लिए, चीजें ठंडी हो जाएंगी। हेलो यार किधर रह गई? बिल्डिंग के नीचे। गाइस इन्होंने बिना बताए फोन काट दिया। किस गेट पे उतर रही है? कौन से गेट पे उतर रही है? अल्लाह रहम करे। समझ रहे हो ना, तुम्हें इतना पसीना आ रहा है पूरा मुंह तुम्हारा गर्मी है, आईब्रो भी नहीं बन रहा। नहीं ना यार थोड़ी सी खराब हो गई थी, अब जाके अच्छा घूमने कब जा रही हो? मैंने सबको बताया था ना। अरे यार बात सुनो, इस कर्दू से वो की बात, इस कर्दू वाले से बाय फ्लाइट 7 से 8 लाख रुपए है। हाँ 7 लाख रुपए इस कर्दू के जहाज में। तो फिर दुबई चले जा, दुबई या उम्रे पे ना चले जा, कसम खुदा की 7 लाख पागल हो गए। 7 लाख रुपए बोला, तुम आंटी वालों से पूछो ना कितने में गए वो लोग। अच्छा कराची से इस कर दूं? हाँ। और फिर होटल वगैरह भी वैसे ही होगा ना टोटल, वो 7 लाख रुपए। मैंने बोला इससे अच्छा उम्रे पे ना चले जाए। हाँ बिल्कुल, इतने का तो उम्रे का पैकेज हो जाएगा। तो बस उम्रे का देखते हैं कल इंशाल्लाह ताला जाके। अब उम्रे पे जा रही हो? नहीं नहीं डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा। गाइस अगर ये चली जाए ना आप लोग मेरा नाम बदल दीजिएगा, अगर ये जाए तो। ये शर्त लग गई है कि ये इस साल जाती है या नहीं, इस साल पे रख देते हैं हम इस साल पे रख देते हैं। चलो इस महीने पे नहीं रखते, इस साल पे। भाई मैंने सोचा कि मरी और नारायण गगन ये तो यहीं पर है। और हमने देखा हुआ भी है, ठीक है, लाहौर भी देखा हुआ है, इस्लामाबाद भी देखा हुआ है, तो मैंने बोला अल्लाह का घर क्यों ना देखा जाए। बिल्कुल। और जब ना मम्मी के टाइम पे मैंने ख्वाब में खाने का बात देखा। गाइस अब ये इस साल की शर्त लग गई है, क्या नाजो जाती है या नहीं? माइक आपके आगे। नाजो जरूर जाएगी। माइक आपके आगे जरूर जाएगी इंशाल्लाह ताला। कारी साहब पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह जाओगी। हुर्रे। और मैं कह रही हूँ नहीं जाएगी, इसमें वो स्टैमिना नहीं है कि ट्रैवलिंग कर ले। अभी बेल बजी है, ये शायद हमारी खाला जान है। लाइट खोलो नाजो। इतनी देर से आइए, कब से ना रहा तक रहे। नाजो कहिए गाइस गेट खोलने के लिए। आ गई हमारी खाला अमेरिका वाली। वो ये स्टूडेंट कहाँ से कौन से? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। हाय 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 हाय। नानी आएंगे? ये कौन से कॉलेज से आई है? नानी तो आपने जल्दी नाजू तुमने सलाम किए? गले में लियो। हाँ गले में लियो। अच्छा अच्छा मेरी वैसे वो गई से मिलने के लिए। नेमी को अब ख्याल आया, वैसे नहीं मिलती, आज मिलने के लिए उठी है। पढ़ रही थी ना कारी साहब को भी तो दिखाना था। गाइस हमारी अमेरिका वाली यही हाल है। सलाम करना खाले साहब। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी बहुत खुश हो रही है, अम्मी का मैका आया है, अम्मी बहुत खुश हो रही है। गाइस जैसे आपको पता है हमारा ठिकाना तो है ही किचन, किचन में अब आ गए हैं। ये यूनाइटेड बेकरी के पेटीज है। ये भी यूनाइटेड की अम्मी। यूनाइटेड अम्मी थोड़ी शक्ल बदल ली है ना, थोड़ा बढ़िया कर लग रहे हैं। कैसे लग रही है शक्ल? बहुत अच्छे, थोड़ी बढ़िया कर दे। और नाजो लेकर आई है समोसे और इमरती, ये सब कुछ हम रखते हैं। यहाँ पे बच्चों का दूध वूध का सेशन चल रहा है। अब नेमी के बाल बनाऊ फिर आपसे मिलती हूँ गाइस। चले गाइस अब देखते हैं कौन समोसा पार्टी लवर है और कौन वो लवर है। बताओ तुम पेटीज लवर हो समोसा? पेटीज लवर। खालिजन आप समोसा लवर? पेटीज समोसा समोसा खा पेटीज रही और मैं समोसा। आप समोसा लवर पेटीज? पेटीज समोसा सब। अबू आप समोसा लवर पेटीज? तीनों। अबू ने रिकॉर्ड बोला, मेरे अभी बहुत हो गए। अबू ने रिकॉर्ड तोड़ के बोला तीनों। अबू सब खाते हैं। अभी हमारे घर में क्या हुआ, रात तक यही चलेगा। जो भी मेहमान आता है क्या कहते हैं इसको, रेफ्रेशमेंट। हाँ रेफ्रेशमेंट का सामान आ जाता है। अब्बू की ईद हो जाती है। हाँ क्योंकि फिर क्या होता है, चुप के कोनों में प्लेटें ले लेकर अब खाएंगे। कितनी देर तक? पूरी रात जाता है, पूरी रात, मिडनाइट इंशाल्लाह। चले गाइस खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। शुक्र है आज वो बारिश हो गई 2 दिन से, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। गाइस दुनिया कुछ भी करे ना तो बच्चों को खाना खिलाएगी। काश ऐसी अपने और किसको, और कौन से बच्चे? कितने बच्चे?
कितने चार है ना तुम्हारे तो मरती ले लेके भाग रही चार है ना यार तुम्हारे माशाल्लाह चार बच्चे तुम भी दो मेरी औलाद गाइज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया मैं थोड़ा सा खा लूँ फिर आपसे मिल झूठ बोल रही है क्या बोल क्या झूठ बोला है मैंने कुछ नहीं खाया उसने खाया कैसे कैसे तुमने कितने पेटीज खाए अपना तो बताओ ये दूसरा है कसम से और समोसे कितने खाए मुझे अच्छा इतना नहीं लगता समोसा सो गाइज हमने समोसे लिए थे यूनाइटेड बेकरी से खालाजान कौन सा अच्छा है खालाजान कह रही है बोल ज्यादा अच्छा है ये लंबा अच्छा नहीं है ये वाला यार चिकन और वो बोल लो मतलब वो बोल है वो ये आलू का लग रहा है हाँ ये चिक वेजिटेबल है आलू का होगा शायद वो चिकन है तुम्हारी सोच थ्री टू वन यूनाइटेड बेकरी तुम्हारी सोच थ्री टू वन पिल्ले जैसी है जब मुंह खोलेगा ऐसा लगेगा समोसा ढक्कन खोल दिया उसने दांत देखे यार उसके हाँ बब्बू और अम्मी की प्लानिंग हो रही है कि तुम आराम से बाद में खा लेना गाइस खा पी के रोना बिना खाए रोना रोना ही रोना रोना ही रोना गाइस आज नाजो पोस्टमैन बन के आई थी ये फुल लुक है इतना तो इतनी तो तुम्हें यार स्वेटिंग हो रही है यार बहुत यहाँ पे गर्मी है तुम्हारे गाइस नाजो जो है पोस्टमैन बन के आई थी अब जा रही है बैग वैग पैक हो गया है बच्चों का जा रही है खाला भी शायद जा रही है पता नहीं बात कर रही है किसी से और क्या अम्मी बोले और मैं यही कहूंगी बस अपना ख्याल कीजिएगा फजल फजल की फैमिली को बहुत याद रखिएगा और गाइस बस अब हम मिलते हैं अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिर इंशाल्लाह आएंगे एक नए टॉपिक के और अगर आपको हमारी हाइट ही अच्छी लगे और अगर नाजो चली जाए घूमने इस साल तो मेरा नाम बदल के रुखसाना रख दीजिएगा नहीं कुकुर रुखसाना नहीं कुछ और रखवा लो चलो ठीक है चलिए गाइस ओके बाय अल्लाह हाफिज़